Subscribe now and press the bell icon. Never miss update. Hello everyone, welcome to Shona Kitchen. आज हम बनाएंगे बिहार का बहुत ही खास रेसिपी ठेकुआ। बिहार में इसको खास्ता भी बोलती है। छठ पूजा का खास मौके पर इसको बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ठेकुआ। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, सॉल्ट, किशमिश, शुगर पाउडर, अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो चीनी को पहले दूध से मिलाइए, उसके बाद इस करिए। यहाँ पर मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया और बारीक काट लिया थोड़ा सा। घी, अब इसको मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया आटा को। अब इसमें दूध ऐड करेंगे, दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ज़रूरत पड़ने से फिर से दूध ऐड करेंगे। दूध ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जितना ही चाहिए उतना ही ऐड करेंगे, क्योंकि ठेकुआ का आटा सख्त होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे का एक डो बनाएंगे। देखिए आटे का डो रेडी हो गया। अब इसमें से छोटा छोटा पेड़ा बनाएंगे। देखिए आटे का पेड़ा मैंने बना लिया। इसको ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतली नहीं करना है, ऐसे मीडियम साइज़ का करना है। अब इसको ठेकुआ का शेप देंगे। अब इसको ऐसे दबाना है। देखिए ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसे शेप देना है। अब इसमें डिज़ाइन करेंगे एक फॉक्स से ऐसे। ऐसे डिज़ाइन बना लिया। देखिए मैंने सारे ऐसे डिज़ाइन बना लिया। अब इसको फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया। अब इसमें ठेकुआ डालेंगे। गैस को स्लो फ्लेम में रखेंगे। हाई फ्लेम में रखेंगे तो बाहर पक जाएगा, अंदर नहीं पकेगा। स्लो फ्लेम में रख के पकाना है क्योंकि अंदर अच्छे से पक जाएगा। और इसको पलटी करेंगे एक साइड, जब तक गोल्डन फ्राई नहीं हो जाती है तब तक इसको एक साइड पकाएंगे, फिर उसके बाद पलटी करेंगे। देखिए एक साइड गोल्डन फ्राई हो गया, अब दूसरी साइड ऐसे पका लेंगे। देखिए अच्छे से पक गया, गोल्डन फ्राई हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। देखिए बन के रेडी हो गया ठेकुआ। अब भी ये रेसिपी घर में बनाइए, बना के रेसिपी का मज़ा लीजिए। ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।